सेशन है जो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन बैंक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लास्ट आप लोगों को जो सेशन हुआ था उसमें से भी मैंने कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए आंसर्स प्रोवाइड कर दिए थे। आज हम लोग उसके आगे के एमसीक्यूज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। सो प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फास्टली। अरे भाई स्टार्ट कर दो दही क्लास, और कितना भाई, हमने तो क्लास स्टार्ट कर दी है, अब जल्दी से आप लोग भी क्लास ज्वाइन कर दीजिए ताकि हम लोग अपना जो सेशन है जो लास्ट हम लोग का रह गया था उससे आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके ओके चलिए चलिए स्टार्ट करें। लास्ट मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चंस तक एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दिए थे, कल थोड़ा नहीं हो पाया था लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एमसीक्यू वाला पार्ट और इसके अलावा आप लोगों का जो ऑड वन वाला सेशन है नेक्स्ट पार्ट में, वो मैं आप लोगों को आज दोनों एक साथ कंप्लीट करवा दूं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो बेटर है कि हम लोगों का जल्दी यहाँ पर सॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है दैट विंड टर्बाइंस विद कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। आप लोगों की ग्रीन एनर्जी का क्वेश्चन है, पूछा क्या है कि विंड टर्बाइंस जब हमारे रोटेट होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है कमर्शियल बेसिस पर कितना प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आप लोगों का है 1 kW to 7 MW कमर्शियल बेसिस पर विंड टर्बाइन से हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 37 सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी। यहाँ पे सोलर सेल्स की बात करिए, सब लोग जानते ही होंगे सोलर सेल्स हम लोगों के सोलर पैनल्स अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी का सोलर रेडिएशन का यूज होता है उसमें, और सोलर रेडिएशन डायरेक्टली कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर का नाम ही है ग्रीन एनर्जी, राइट, और उसमें ग्रीन एनर्जी से हमें ये बताया है कि किसी भी ग्रीन सोर्स का यूज करके हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब चैप्टर में सभी सोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी आंसर होगा इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट देखिए 38 अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 cm² जनरेट्स करंट ऑफ अबाउट। अगर हम लोग जहाँ पे सोलर पैनल्स होते हैं उसमें कौन से सेल का यूज करते हैं, सिलिकॉन सोलर सेल का, जिसकी डायमेंशन कितनी होती है 1 cm², तो 1 cm² के सोलर सेल से कितना करंट प्रोड्यूस्ड होता है। सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज 30 mA। 30 A नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिलिकॉन सोलर सेल सिर्फ इतना सा है 1 cm² का, राइट, तो उसमें 30 A या 50 A करंट प्रोड्यूस्ड होना दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हो गई। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, या तो 50 या 30, तो कम ही प्रोड्यूस करता है, दैट इज 30 mA। नेक्स्ट देखिए 39 अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 cm² जनरेट्स हाउ मेनी पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो यहाँ पर 38 क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा हुआ था कि करंट कितना प्रोड्यूस करता है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर इसी डायमेंशन का सेल 1 cm² का सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट करेगा, तो वो करता है आप लोगों का 0.5 वोल्ट। देखो मिली वोल्ट नहीं कर सकता, ज्यादा ही कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा वोल्ट में करता है, और वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बेटर है कि वोल्ट में मेजर करें, तो वोल्ट में करता है। तो दो ऑप्शन बचते हैं 0.5, 1 और 0.5, तो यहाँ पे कम करता है 0.5। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, क्वेश्चन आया था शायद कि हम लोगों के न्यूक्लियर प्लांट में जो न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है वो किस पे कराया जाता है, यूरेनियम 236 पर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर किसी को, ऑब्वियसली बात है यूरेनियम 236 एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उस पर बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है। बेरियम और क्रिप्टम तो उसके एज अ प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, प्रीमियम 235 तुम्हारी बुक में भी नहीं है, उसे तो छोड़ ही दो, अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट एक यहाँ पर 41 माय बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लिमी हैंस दैट इज रिफर्ड एज। यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर दे दिया है कि इस एनिमल की बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी है, दैट ये किस एक्चुअली में उसका किस फाइलम एनिमल के फाइलम का
इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो है यहाँ पर मॉलिस्का। मॉलिस्का की जो बॉडी होती है काफी सॉफ्ट और स्लिमी होती है, सो दैट इज मॉलिस्का। नेक्स्ट देखिए 42, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स यहाँ पर दैट मीन कि अपने हर्माफ्रोडाइट यानी कि जो उनके अंदर जो ब्लड है उसको मेंटेन कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर में, तो वो यहाँ पर डोलियोलम होता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन सा है, यहाँ पर डोलियोलम होता है। नेक्स्ट देखिए 43, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजनरेट इज ब्रोकन बॉडी पार्ट। इसमें से कौन सा एनिमल है जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है, यानी कि अगर बाय चांस उसकी बॉडी का छोटा सा भी पार्ट कोई कट हो जाता है तो वो उसको रीजनरेट, पूरी फुल बॉडी में रीजनरेट हो सकता है, तो वो होती है यहाँ पर स्टारफिश। स्पैरो पिजन कभी देखा है, ये तो आपके लाइव एग्जांपल है, अगर गलती से भी पिजन या स्पैरो का कोई गलती से पंख पिजन हाथ या पैर कट जाता है, कभी देखा है कि उसका पूरा पैर ग्रो हो गया पिजन और स्पैरो में? मैं तो नहीं देखा, दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए ना, मैंने फ्रॉग को देखा, उसकी तो चोट भी लग जाए तो भी बेचारा लंगड़ा से उछलता है, नहीं सिर्फ स्टार फिश है जो की रीजनरेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड दैट इज होमियोथर्म्स एनिमल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एनिमल है जो कि आपका वार्म ब्लडेड है? होमियोथर्म्स, वार्म ब्लडेड का मतलब है कि उसको किसी भी एनवायरमेंट में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को इजिली मेंटेन कर सकता है, तो वो बैट होती है। वॉल लिजार्ड भी नहीं, क्रोकोडाइल भी नहीं, टॉर्टोइस भी नहीं, ये तो पहले से ही पानी वानी में रहते हैं। एक बैट है, मैमल है, राइट, जो कि वार्म ब्लडेड होती है और मेंटेन कर सकती है अपने टेम्परेचर को एट एनी कंडीशन और एनवायरमेंट। द नेक्स्ट वन इज 45, माय दैट डैश बॉडी इज डैश शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। इन चारों ऑप्शन में से किसकी बॉडी है जो कि कौन सी शेप, मतलब अगर किसी की बॉडी किस तरीके से किस शेप में बनाई जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके, तो वो यहाँ पर जो होती है वो होती है स्पिंडल शेप, पॉइंटेड हो नहीं सकती इस तरीके से ना, कार्टिलिनियस भी नहीं होती, फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, फ्लैट जो शेप होती है वो तो कभी वाटर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर ही नहीं सकती, वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप देखी भी होगी जैसे फिश की होती है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए 46, डैश एनिमल इज कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसको हम फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो होता है यहाँ पर अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म क्या करते हैं, उनकी बॉडी में से जो भी एंजाइम्स वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो अर्थ में यानी कि सॉइल में मिक्स कर देते हैं, एंड देन आफ्टर दिस यहाँ पर क्या करते हैं वो उनको सॉइल को पूरी पूरी जो भी न्यूट्रिशन जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज 47, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ हार्ड कैल्शियस शेल। यहाँ पर कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पर हार्ड और कैल्शियस की शेल की प्रेजेंस होती है? सिंपल सिंपल आंसर है बाइपेड। शार्क पे नहीं होती, शार्क पर तो वैसे भी नहीं देखी होगी ना, हर्ड मानिया पे ना नैरिसिस पे, द राइट आंसर इज बाइवेल्व। नेक्स्ट वन इज 48, डैश एसिड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। इसमें से कौन सा एसिड है जो कि विटामिन के प्रोडक्शन के लिए हेल्प होता, मतलब मदद करता है, इसमें यूज किया जाता है, तो वो है बेटा लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं होता है, सिट्रिक एसिड में तो विटामिन सी है। ग्लूकोनिक एसिड भी नहीं होता, ना ही आइटोकोनिक एसिड। द राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड विच यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। द नेक्स्ट वन इज 49, Nowadays, dash are used for the treatment of diarrhea and treatment of poultry also. बहुत अच्छे से पढ़ा था ये हम लोगों ने, क्या थे, probiotics थे। चीज नहीं है, विनेगर नहीं है, योगर्ट नहीं है, ये किसी भी डायरिया या पोल्ट्री डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल नहीं होती। एक्चुअली द प्रोबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड पोल्ट्री। द नेक्स्ट वन इज 50, दैट योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया। यहाँ पर आप लोगों को जो चार ऑप्शन दिए ये बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। कहा गया है कि जो योगर्ट है, दही है जो कि मिल्क से बनता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, दैट इज लैक्टोबैसिली। ऑब्वियस सी बात है, पता है ना कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें लैक्टोबैसिली ही बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट वन 51, डैश इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए इसमें से बेस्ट और पावरफुल एंटीबायोटिक, सिंपल सा आंसर है राइफामाइसिन।
पढ़ा भी है आप लोगों ने बुक में, राइफामाइसिन पेनिसिलिन होती नहीं है वो तो अलग बुखार वगैरह के लिए होती है एज यू नो दैट। ना स्ट्रेप्टोमाइसिन ना बैक्ट्रीसिन है, दैट इज राइफामाइसिन विच ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। द नेक्स्ट वन, डैश इज यूज्ड इन द कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा है जो कि कमर्शियल बेकिंग बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है? ऑब्वियसली बात है ईस्ट यूज होती है, माइक्रोब्स नहीं होते, बैक्टीरिया भी नहीं होती, बेकरी इंडस्ट्री बोला है यहाँ पे, कोई फैक्ट्री नहीं बोला आता हम यहाँ पे माइक्रोब और बैक्टीरिया या एल्गी मार्क करें, इंडस्ट्री बेकरी इंडस्ट्री बोला है जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे सारी चीज बनाने के लिए मेनली हम लोग कंप्रेस्ड ईस्ट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 53 पर, बोला गया है डैश इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट ग्रोज एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम पूछा गया है, वो होता है ज़ाइलिटॉल। ये सिंपल वो आंसर है जो डायरेक्टली आपको याद करनी है, ना यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज होगा ना ही कुछ और, सिंपल आंसर याद होने चाहिए, आंसर याद है दैट यू कैन मार्क द राइट आंसर, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। सिंपल, तो राइट आंसर सिंपल है आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट इज यू ऑब्टेन्ड एज अ माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट इज ज़ाइलिटॉल। नेक्स्ट वन 54, एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ अ सेल व्हिच इज ऑलमोस्ट अलाइक दोस सेल्स आर कॉल्ड। सिंपल बोला गया है कि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है अर्लीस्ट स्टेज पर होता है तो वहां पर क्या है, सेल एक मास की फॉर्म में होता है और सारे के सारे सेल एक दूसरे से कैसे रहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, सेल्स तो होते ही है, ये ऑप्शन तो अपने आप कट गया। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स तो भाई ये डिविजनल सेल्स का, बट इसमें तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि डिविजन हो रखा है, सेल मास है सेल का, तो दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। 55, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसमें से कौन सा चीज जरूरी है? देखो, ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट बिल्कुल पता होना चाहिए, डिजीज ऑफ डोनर जो दे रहा है इसको कोई बीमारी तो नहीं है, एज ऑफ द डोनर, एज ऐसा नहीं है कि पता चला 80 साल का खून देने आ गया उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। ऑल ऑफ द अबव, द राइट आंसर इज डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 56, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, डोनर। भाई डॉक्टर भी कहीं भी मिल जाएंगे, क्लिनिक भी कहीं भी मिल जाएगा, एम्बुलेंस भी बहुत सारी है, डोनर नहीं है हर जगह, कोई अपना मतलब ऐसा नहीं है कि चल भाई ठीक है मेरा क्या नाम है, तुझे दिल की जरूरत है मैं तुझे अपना हार्ट दे देता हूँ, हाँ दिल दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई, जब तक वो जिंदा है वो कैसे दे देगा। बहुत बड़ी बात है कि डोनर अपना कोई चीज दे रहा है, सोचो कितना महान होगा इंसान। नेक्स्ट है 57, द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन। यहाँ पर इंसुलिन की वजह से कौन सी डिसीज होती है, सिंपल सी बात है डायबिटीज, क्योंकि जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल या कह सकते हैं मेंटेन करता है, और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप डाउन होगा तो कौन सी डिसीज होगी यहाँ पर, डायबिटीज। नेक्स्ट है 58, ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटोज जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिसीजेस। यहाँ पे रॉ पोटैटोज के बारे में पढ़ा था, ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटोज थे तो उसमें बहुत सारे जीन डाले गए थे, तो जब जीन डाले गए थे तो एक्चुअली में उसको किस डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक तरीके से प्रिपेयर किया था, वो कौन सी डिसीज थी, कोलेरा, क्योंकि उस टाइमिंग पे काफी फैलता था कोलेरा, तो ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटोज बनाए गए। नेक्स्ट है 59, डैश हैव वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए। यूएसए का पूछा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन यूएसए में जो हुआ था उनमें किसका कंट्रीब्यूशन था। अब आप मार्क करोगे, मैम डॉक्टर स्वामीनाथन, बिल्कुल गलत, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है, डिटरमाइन किया गया है दैट इज यूएसए, यूएसए की पूछा गया है, तो यूएसए में थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यूएसए में कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। 60, the methods like artificial insemination and embryo transplant are mainly used for dash. Okay, यहाँ पर embryo transplant हो रहा है या artificial insemination कराया जा रहा है किसी की body में, तो यहाँ पर क्या है, pet animals तो हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, wild life भी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता, infertile woman इस अलग ही चीज हो गई है, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो मेथड यूज होते हैं कि आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कराना है, एम्ब्रॉय का ट्रांसप्लांट करना है, तो ये सब किस में आ जाते हैं,
ये आप लोगों के एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। पहले आप लोग बता दीजिए यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आंसर टिक करती जा रही हूँ बेटा। किसने बोला भाई मैम आंसर टिक करिए? बेटा मैं ऑलरेडी आप लोगों को आंसर टिक कर रही हूँ, सो डोंट वरी। मुझे पता है आप लोगों को वही पता होना चाहिए, ठीक है? आंसर टिक करती जा रही हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करिए, 61 पे। देखिए 61 में क्या बोला गया है, डैश इज द रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी की क्लोनिंग में सबसे जो मेन है वो आप लोग का क्या है यहाँ पर, स्टेम सेल रिसर्च। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए 62, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन व्हिच इज फैटल फॉर डैश वाज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स ऑन द बॉल्स ऑफ कॉटन। कौन सी बायोटेक्नोलॉजी जिसमें यहाँ पे जो बॉल कॉटन की बहुत से लीव्स हैं उसमें टॉक्सिन पार्ट इंसर्ट कराया जाता था ताकि जितनी भी बटरफ्लाई ये सब चीजें अलग रहे, तो वो होते थे यहाँ पर बॉल वॉर्म के लिए, क्योंकि बॉल वॉर्म क्या कर रहे थे, जो कॉटन की बहुत से लीव्स थी उसको बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय डैमेज कर रहे थे। नेक्स्ट 63, सेल डैश स्टार्ट फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। यानी कि जब कंसेप्शन के बाद, कंसीव करने के बाद सेल को जब 14th डे हो जाते हैं तो आफ्टर 14th डे विच प्रोसेस इट विल स्टार्ट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो वो सेल है या जाइगोट है आफ्टर 14th डे इट विल स्टार्ट डिफरेंशिएट, दैट मींस डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा इन मल्टीपल सेल्स। नेक्स्ट वन द 64, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज्ड डैश फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKM 16। गवर्नमेंट ने जो ये जो NKM 16 प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर यहाँ पे किसकी प्रोडक्टिविटी के लिए किया था, दैट इज एक्वा कल्चर, नील क्रांति मिशन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नील क्रांति मिशन, और नील यानी कि ज्यादातर जो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, नील ज्यादातर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो एक्वा कल्चर। नेक्स्ट वन 65, डैश आर प्रेजेंट इन द उम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूट्रस ऑफ द मदर। यहाँ पर उम्बिलिकल कॉर्ड से क्या अटैच रहता है जिसकी वजह से जो बेबी है यूट्रस में वो मदर से अटैच रहता है, तो वो होता है यहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स। उम्बिलिकल कॉर्ड में किसकी प्रेजेंस होती है? स्टेम सेल्स की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से मदर और यूट्रस में जो बेबी है एक दूसरे का कनेक्शन बना रहता है। नेक्स्ट वन 66, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर कैप्ड इन डैश। यानी कि जो स्टेम सेल्स हैं, देखिए कोई पर्सन आया उसको स्टेम सेल्स की जरूरत है तो उसका प्रिजर्वेशन तो रखना बहुत जरूरी है, तो स्टेम सेल्स के प्रिजर्वेशन को करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, तो वो है आप लोगों की लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन 67, फिनाइल क्यूटोनोरिया अराइजेस ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन डैश सेल। एक डिजीज है फिनाइल क्यूटोनोरिया, तो कौन से सेल्स में चेंजेस आने की वजह से ये बीमारी होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए, लिवर है। लिवर में, लिवर के सेल्स में, लिवर भी एक डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बना होता है, जब उनके सेल्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं वो भी जेनेटिक चेंजेस, तो यहाँ पे जो डिसीज होती है वो है फिनाइल क्यूटोनोरिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 68 पर, डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, वो है आपका नोस्टॉक। थायोफिला, सैक्रोमाइसिस, आइस्कैरिया, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल, और कह सकते हैं इंडस्ट्री में जो फूड बनते हैं ये वहां यूज किए जाते हैं, बट नोस्टॉक इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वन 69, एल्कोहल कंजप्शन मेनली अफेक्ट्स द डैश सिस्टम।
जब हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट, कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है? वो होता है नर्वस सिस्टम। देखो एल्कोहल मतलब लाइक अ ड्रिंक, दारू जो हिंदी होता है, ठीक है ना, एल्कोहल। और जब एल्कोहल कोई भी इंसान पी लेता है तो क्या होता है, उसका दिमाग हो जाता है खराब, ऐसे याद कर लो। तो क्या इफेक्ट हो गया, नर्वस सिस्टम। फिर उसे कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है 70, लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे। लाफ्टर क्लब किस लिए होता है? सिंपल सी बात, स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको क्या करना है, हंसना है, दैट इज लाफ्टर क्लब। नेक्स्ट वन इज 71, डैश हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन द स्टडीज। इसमें से कौन सी चीज है जो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी? ईटेबल है, मतलब खाना खाते चले जाओ, है बहुत ज्यादा स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ ऐसा भी है, हॉबीज। भाई हॉबीज तो, अगर हॉबीज है तो आपको पढ़नी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप तो वही करते रहोगे। स्पोर्ट्स है, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप पूरे दिन गेम ही खेलते रहोगे, पढ़ कहाँ से लिए? मेडिटेशन, जिससे हमारा दिमाग होता है शांत, और जहां दिमाग शांत होगा तब हमारा मन करेगा पढ़ने का। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या है, मेडिटेशन। इसका स्ट्रेस, इसका नर्वस सिस्टम, इसका नॉनस्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 72, इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलसेंट। यानी कि एडोलसेंट में, एडोलसेंट जो एज होती है, यहाँ पे जो एडोलसेंट जो एज होती है उस टाइमिंग पर बच्चों पर किसके ज्यादा, सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ता है? उनके ग्रुप का, जो दोस्त ने कह दिया वही होगा। ना पापा, ना टीचर, ना कोई मौसा, ना मम्मी, ना मामी, ना पापा मामा, ना चाचा, कोई भी नहीं, कौन? दोस्त। मेरे दोस्त ने कहा मैं करूंगा, पीयर ग्रुप। नेक्स्ट है 73, आर डैश हैज बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा क्या चेंज हुई है हमारी, तो वो है बेटा लाइफ स्टाइल। पहले लोग वह कितने सिंपल रहते थे, एकदम बढ़िया तरीके से, और अब लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लिया है। इतने रूफ टॉप रेस्टोरेंट में जाना, इतना हाई फाई, यहाँ जाना, यहाँ घूमना, सबसे ज्यादा सेल्फी क्लिक करना, लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया यार। नेक्स्ट है 74, हॉबीज लाइक डैश पेट एनिमल्स हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंड सेट। कौन सी हॉबीज है जिसकी वजह से जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनका झुकाव हमारे लिए आता है, उनकी पॉजिटिव चीज हमारे लिए रहती है? तो वो है यहाँ पर रियरिंग। लुकिंग मैटर नहीं करती है, फीडिंग डजंट मैटर, उसको सड़क पे भी छोड़ दोगे तो भी खा लेगा। ट्रांसफरिंग से भी कोई मतलब नहीं है। रियरिंग, आप उसकी कितनी देखभाल कर रहे हो, उसको कहाँ कहाँ अपने साथ ले जा रहे हो, कितना उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, रियरिंग। नेक्स्ट वन है 75, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डैश सब्सटेंसेस कॉजेस कार्सिनोजेनिक स्पेशली ऑन द माउथ एंड लंग्स। सो सिंपल, टोबैको लाइक, क्योंकि टोबैको में क्या होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसका कंटिन्यूअस कंजम्पशन करने से माउथ और लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है 76, अल्कोहलिक पर्सन लैक्स द डैश थिंकिंग। जो एक अल्कोहलिक पर्सन है कैसे नहीं सोच सकता, स्ट्रेट सीधा तो सोच नहीं सकता, हमेशा घुमा फिरा के, एक तो सपनों की दुनिया में रहेगा, स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल, अरे यार दुनिया में ऐसा होता, रेशनल, अरे यार उसने ऐसा किया, मतलब एक जो रेशनलिज्म आ जाता है, स्ट्रेट तो सीधा कभी सोच ही नहीं सकता है, हर तरीके से सोच लेगा पर सीधा नहीं सोचेगा। नेक्स्ट 77, डैश में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। सब मार्क कर लो भाई, सर दर्द भी होता है, विजन भी प्रॉब्लम होती है, बैठे बैठे जॉइंट पेन्स भी होता है, सब हो जाएगा मोबाइल यूज करने से। सो प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल इन एक्स्ट्रा, फॉर एक्स्ट्रा टाइम। नेक्स्ट वन 78, लिक्वर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। लिक्वर हमारा किससे बनता है, अल्कोहल से बनता है, सीधे सीधे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट 79, सलाम मुंबई फाउंडेशन रन्स प्रोग्राम्स फॉर डैश इन स्लम एरिया फॉर टोबैको। सलाम मुंबई फाउंडेशन किसके लिए वर्क करता है, टोबैको के लिए वर्क करता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर आप लोगों के जो एमसीक्यूज वाला पार्ट था बेटा वो होता है फिनिश। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। 76 का क्या है बेटा, 76 का यहाँ पर स्ट्रेट है, 76 का आंसर यहाँ पर स्ट्रेट है, सीधा कभी नहीं सोचेगा, सब तरीके सोच लेगा, घुमा फिरा के, स्ट्रेट नहीं सोचेगा, ठीक। 78 का ए है, 79 का बी है। पहले अब आप लोग यहाँ पर ये बता दीजिए दैट कि अभी आप लोगों को यहाँ एमसीक्यूज वाले पोर्शन में कोई दिक्कत है,
बहुत फास्ट हुआ। अरे भाई कितना फास्ट, कभी कहते हो मैम बहुत स्लो है, कभी कहते हो मैम बहुत फास्ट हुआ, हाँ पता नहीं क्या क्या है। ओके ओके बेटा महेश, देखिए 79 का एजुकेशन है, नहीं बेटा 79 का एजुकेशन नहीं है बेटा, 79 का टोबैको ही है बेटा, 79 का टोबैको है, डोंट वरी, मैंने अच्छे से चेक करके तभी आप लोगों को आंसर्स बताए हैं, सो डोंट वरी, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब हम लोग इसका जो बी पार्ट है इसको भी जल्दी से शुरू करके फिनिश करें, मैं बी पार्ट स्टार्ट करवा दूं, जल्दी बताइए बेटा, मैं इसका बी पार्ट स्टार्ट करवा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना टाइम वेस्ट करे कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों का बी पार्ट स्टार्ट करवा के खत्म भी करवा दें, राइट, यही करना है नाम है, बहुत इजी है, यहाँ पे ऑड वन आउट करना है, और अगर आप लोगों को सारे वर्ड के मीनिंग पता है तो आप इजीली यहाँ पर ऑड वन आउट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, आज मैं ये बी वाला, आप लोगों को बी वाला पोर्शन भी फिनिश करा दूंगी, डोंट वरी, आज आप लोगों को यहाँ बी वाला पोर्शन भी खत्म करा दिया जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया है, क्या क्या वर्ड लिखे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन। मेरे ख्याल से मैं पहले मार्क कर देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ इसका जो राइट आंसर है, पहली बात तो बेटा म्यूटेशन है, सर्कल करती जा रही हूँ मैं, डोंट वरी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑड वन है, वो है म्यूटेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन ये तो डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, पढ़ा है ना, डीएनए में पढ़े हैं, डीएनए में तीनों वर्ड पढ़े हो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो, ट्रांसलेशन पढ़े हो, ट्रांसलोकेशन पढ़े हो। म्यूटेशन इज द अलर्ट वर्ड, डिफरेंट टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन, व्हेन द चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन द जीन, राइट, दैट इज म्यूटेशन, बट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन इज रिलेटेड टू द डीएनए पार्ट, सो राइट आंसर इज म्यूटेशन। नेक्स्ट सेकेंड, लीफ वेनेशन, साइज ऑफ सीड्स, लीफ पेटियोल, लीफ शेप, यही है राइट आंसर, यहाँ पर आएगा साइज ऑफ सीड्स, भाई इसको बड़े अच्छे से मार्क कर लेना, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है बच्चों को, देखो लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल, लीफ शेप, ये सब रिलेटेड है आप लोगों के लीफ वाले पार्ट से, राइट, वेनेशन होता है, पेटियोल होता है, इसकी शेप होती है, बट द साइज ऑफ द सीड्स इज नॉट रिलेटेड टू द लीफ, सीड के बारे में लिखा गया है जो कि लीफ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, सो द ऑड वन इज साइज ऑफ द सीड्स। नेक्स्ट थर्ड, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्ना, यहाँ पे राइट आंसर मार्क करिए, पोजीशन ऑफ आईज, इसमें से कौन सा ऑड है, पोजीशन ऑफ आईज, देखो इन तीनों में स्ट्रक्चर की बात करी है, यहाँ बोन्स, हैंड के बोन्स का स्ट्रक्चर, ये नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, ये ईयर पिन्ना का स्ट्रक्चर, यहाँ पर बात करी है पोजीशन ऑफ आईज, जो कि आपके यहाँ नाम है आप लोग की स्टार्टिंग के एविडेंस से रिलेटेड है, लेकिन ये आप लोगों का एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, दैट ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ व्हेल, कैट्स फॉर लेग्स एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे ऑड वन है, विंग्स ऑफ बर्ड, ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ व्हेल, कैट्स फॉर लेग, दे आर बिलोंग्स टू द एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस, बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स डोंट। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, राइट आंसर इज पोटैटो, बिकॉज द कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो आर द स्टेम्स, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये क्या होती है, स्टेम्स होती है, एंड पोटैटो क्या होता है, यहाँ पर ये स्टेम ट्यूबर होता है, ये क्या होता है, ये स्टेम ट्यूबर है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, बडिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आप लोगों को चार ऑप्शन अवेलेबल है, इसका जो ऑड वन होगा वो होगा बाइनरी फिशन, क्योंकि बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ये मल्टीपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं, बडिंग हुआ, रीजनरेशन हुआ, फ्रेगमेंटेशन है, दे बिलोंग्स टू मल्टीपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट बाइनरी फिशन बिलोंग्स टू बाइनरी फिशन बिलोंग्स टू ओनली टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ऑर्गेनिज्म ओनली डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, नॉट इन मल्टीपल पार्ट्स, सो द ऑड वन इज बाइनरी फिशन। सेवेंथ इज वेस्ट डिफेंडर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एपिडिडर्मिस एंड वेस्ट डिफेंडर्स, इसका जो राइट ऑड वन आउट है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, वेस्ट डिफेंडर्स, एपिडिडर्मिस एंड वेस्ट डिफेंडर्स, ये है पार्ट,
जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ये उसके पार्ट्स हैं, लेकिन ये एक ग्लैंड है जो कि अलग फंक्शन क्या बोलते हैं इसको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट देखिए एट वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो इसमें आप क्या मार्क करोगे बेटा, इसमें आप जो मार्क करोगे वो आएगी बार्थोलिन ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हैं, बट जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए नाइन, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन्स एंड ओवरी। तो इसमें क्या होगा, जो ऑड वन होगा वो पॉलन्स होगा, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है और जो पॉलन्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए टेंथ, हिबिस्कस, पपाया, सनफ्लावर या फिर रोज और मैंगो। इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर पपाया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फ्लावर लिखे हुए हैं, हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज और मैंगो, ये आप लोगों के बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, बट पपाया में नहीं होता। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इट विल इंक्लूड ओनली मेल और फीमेल पार्ट, नॉट ऑल, बोथ। नेक्स्ट वन दैट 11th क्वेश्चन, 11th देखिए, 11th में बोला गया है दैट कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ऑड वन यहाँ पर पॉल्यूशन है। देखो कंजर्वेशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ये अच्छी बात करी जा रही है हमारे एनवायरमेंट के लिए, बट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो गलत है ना हमारे एनवायरमेंट के लिए। 12th देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, एटोमिक एनर्जी और विंड एनर्जी। मार्क कर लीजिए एटोमिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमारी ग्रीन एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी इज नॉट द ग्रीन एनर्जी, इट कॉजेज अ हार्मफुल इफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स और एज वेल एज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट 13, सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल और कोल। पेट्रोल मार्क कर लीजिए, क्योंकि सिलिकॉन, यूरेनियम और कोल ये आप लोगों के अलग है, यानी कि ये नेचुरली प्रोड्यूस है, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल इज नॉट अ नेचुरली प्रोड्यूस, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम से, सो पेट्रोल इज नॉट अ नेचुरल, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। नेक्स्ट वन इज 14, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। 14th में मार्क कर लीजिए सोलर थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ यूजिंग विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हुआ, दे आर ग्रीन एनर्जी, बट द सोलर थर्मल पावर प्लांट इज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट 15 है वाटर, विंड, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल। सो ऑड वन इज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या करता है, ये हमारे एनवायरमेंट में बर्न होने पर थोड़ा सा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बट वाटर, विंड, नेचुरल गैस डजंट। नेक्स्ट वन द 16, एडिबल ऑयल, एलपीजी, सीएनजी एंड क्रूड ऑयल। एडिबल ऑयल यहाँ पर एलपीजी, सीएनजी एंड क्रूड ऑयल ये आप लोग के कुकिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं, बट द एडिबल ऑयल इज यूज इन कुकिंग। एडिबल का मतलब ही होता है खाने वाली चीज, राइट? तो एडिबल ऑयल कैन बी यूज इन कुकिंग, बट एलपीजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल डजंट, कांट बी यूज इन कुकिंग। नेक्स्ट वन 17, कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम और क्रूड ऑयल। तो मार्क कर लीजिए क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम, दे आर नेचुरली प्रोड्यूस, बट द क्रूड ऑयल इज नॉट। नेक्स्ट वन 18, टॉर्टोइस, क्रो, लिजार्ड, स्नेक। तो यहाँ पे क्रो मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो टॉर्टोइस, लिजार्ड और स्नेक हैं, दे आर क्रॉलिंग, रेंगने वाले हैं, लेकिन क्रो क्या है, एक बर्ड है जो कि आसमान में उड़ता है, तो बिल्कुल ही ऑड हो गया। 19th है पीकॉक, पैरट, कैंगरू और डक। तो कैंगरू है, क्योंकि पीकॉक, पैरट एंड डक दे आर मैमल, पीकॉक, पैरट एंड डक ये बर्ड है, लेकिन जो कैंगरू है वो क्या है, मैमल कैटेगरी से बिलोंग करता है। 28th है ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट और लिजार्ड। लिजार्ड को अलग कर दीजिए, क्योंकि लिजार्ड आप लोगों का किस में आ जाती है, क्रॉलिंग एनिमल्स में आ जाती है, जिसमें हम लोग रेप्टाइल्स में आ जाती है। लिजार्ड किस में इंक्लूड होती है, रेप्टाइल्स में इंक्लूड होती है, बल्कि ह्यूमंस, डॉल्फिन और बैट ये आप लोगों के मैमल्स में इंक्लूड होते हैं। 21, कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्पाइडर और हनीबी। हनीबी को अलग कर दीजिए, बाकी की ये तीनों आप लोगों के आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्पाइडर किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, बट हनीबी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट 22, स्टारफिश, सी ओर्किड, नेरिस एंड सी कुकुम्बर।
यहाँ पर जो आप लोग ऑड वन मार्क करोगे वो है आप लोगों का नाइरिस, क्योंकि स्टारफिश, सी ऑर्किड, सी कुकुम्बर ये आप लोगों की पाइसिस फाइलम से बिलोंग करते हैं, नाइरिस नहीं करता है, इट बिलोंग्स टू डिफरेंट फाइलम। 23 ट्यूब फीट सेटे पैरापोडिया एंड सकर, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूब फीट, क्योंकि सेटे पैरापोडिया सकर ये लोकोमोशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। ट्यूब फीट आप लोगों के अलग हो जाते हैं, ये सिर्फ लोकोमोशन के लिए है। बाकासाइटा पोरापोडिया सकर ये लोकोमोशन के साथ साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं। 24 देखिए पेनिसिलिन नियोमाइसिन आइसोमरेज और राइफोमाइसिन, तो आइसोमरेज अलग कर दीजिए, बाकी पेनिसिलिन नियोमाइसिन राइफोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, आइसोमरेज इज नॉट द एंटीबायोटिक। नेक्स्ट 25 हाइड्रोलिसिस लाइसिस पेप्सिन और लिगेज, तो पेप्सिन अलग कर दीजिए, हाइड्रोलिस लाइसिस और लिगेज ये एंजाइम्स है एंड पेप्सिन एक अलग एंजाइम है जो कि अलग आप लोगों के रिलीज होता है दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, इतना समझ में आया, इतने तक डाउट तो नहीं है किसी को, पहले तो भाई ये बता दीजिए मुझे। यहाँ तक कोई क्लियर वो तो नहीं है आप लोगों को, पहले 25 क्वेश्चन तक भाई पूछना भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि कोई डाउट किसी को, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं, बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान ना दिया जाए तो ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ प्रथमेश बेटा वो तो मैं समझ गई थी बेटा। ओके ओके ओके, चलिए फिर अगर किसी को चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों को बड़ा डाउट से हो रहे हैं, पता नहीं मैंने मार्क किए थे वो आप देख लीजिएगा, पता नहीं किस किस में बोल रहे हैं। बेटा स्पाइडर नहीं आएगा इसमें, स्पाइडर नहीं आएगा, इसका हनी भी आएगा, स्पाइडर पता नहीं किसने लिख दिया कि कॉकरोच बटरफ्लाई हनी भी दे कैन फ्लाई बट स्पाइडर डजंट। बेटा यहाँ पर ना आप लोगों का फ्लाई के बेसिस पर ले ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का फ्लाई के बेसिस पर पूछा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों का फाइलम के बेसिस पर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, कुछ बच्चे मेरे को अलग आंसर दे रहे हैं दैट एंड स्टिल दे आर सेइंग दैट मैम योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल माय आंसर इज नॉट रॉन्ग, दे आर ऑल करेक्ट, सो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आप लोगों का बहुत अच्छे से आंसर चेक करके तभी मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, डोंट वरी। बेटा यहाँ आप लोगों का स्ट्राइडर होगा ही नहीं, आप कह रहे हो कि मैम स्पाइडर उड़ नहीं पाता, कॉकरोच बटरफ्लाई हनी भी उड़ लेते हैं, यू आर ऑड वन आउट थ्रू फ्लाई, यानी कि आप उसकी फ्लाई के बेसिस पर आप उसको अलग कर रहे हो, बट इन योर क्वेश्चन ऑड वन आउट आपको फाइलम के बेसिस पर बोला गया है। कॉकरोच बटरफ्लाई एंड स्पाइडर दे बिलोंग्स टू अदर फाइलम एंड हनी भी बिलोंग्स टू अदर फाइलम, सो दैट्स व्हाई हनी भी इज द राइट आंसर बिकॉज इट बिलोंग्स टू अदर फाइलम कंपेरिजन टू दीज थ्री, सो डोंट वरी। आंसर आप लोगों के कोई भी गलत नहीं होंगे, यू कैन चेक एनी अदर बुक विद बुक्स एंड एनी अदर सॉल्यूशंस, राइट। क्वेश्चन यानी कि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने चेक करके पूरी तरीके से तभी आप लोगों को प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो उस चीज का टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली में किस तरीके से किस बेसिस पर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा सारे कॉकरोच नहीं उड़ पाते हैं, कुछ कॉकरोच कह सकते हैं एक तरीके से फ्लाइटलेस, हाँ फ्लाइटलेस भी होते हैं, सारे कॉकरोच नहीं उड़ सकते, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे यार मैं कॉकरोच भी नहीं उड़ सकता, स्पाइडर भी नहीं उड़ सकता, आप क्या अलग करें, हो जाओगे ना। फाइलम के बेसिस पर अलग करो, फाइलम के बेसिस पर यानी कि एक परफेक्ट चीज के बेसिस पर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं हो सकते, राइट। और बहुत सारी हनी भी होती है नहीं उड़ पा रही, हो सकता है क्यों नहीं उड़, बहुत से सारी चीजें होती हैं, सो दैट्स व्हाई। चलो हम लोग 25 तक हो गया था, 26 पर मूव ऑन करते हैं। 26 में देखिए आप लोगों का बोला गया है बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड प्लांट, तो सिंपल बात है इसमें तो प्लांट्स को अलग करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया वायरस और फंजाई दे बिलोंग्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं बट प्लांट तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए 27 खोआ योगर्ट बटर एंड चीज, बिल्कुल इसमें खोआ अलग कर दीजिए क्योंकि जो योगर्ट और बटर और चीज है ये हमारी अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाई जाती है, खोआ यहाँ पे अलग बनाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस लैक्टोबैसिलस सेसी एंड क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम को मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी तीन बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस और लैक्टोबैसिलस सेसी, ये क्या करते हैं, ये हमारे फूड प्रोडक्शन में स्पेशली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। बट जो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है ये हमारे फूड के साथ अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हमें फूड पॉइजनिंग करता है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 29 फ्रॉग अर्थवॉर्म पिंक वॉलवॉर्म इंसेक्टिवोरस वर्ड। तो फ्रॉग अलग कर दीजिए क्योंकि अर्थवॉर्म पिंक वॉलवॉर्म इंसेक्टिवोरस वर्ड ये आप लोगों के एक तरीके से अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ये, राइट। लेकिन जो फ्रॉग है वो आपका रेप्टाइल कैटेगरी में बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए 30 डीडीटी यूरिया मेलाथोनियन क्लोरोपाइरोसिस। तो यूरिया है, यूरिया नेचुरल है, डीडीटी मेलाथोन और क्लोरोपाइरोसिस दे आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। डीडीटी मेलाथोनियन ये सब क्या है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है बट यूरिया इज द नेचुरल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वन 31 डायबिटीज एनीमिया ल्यूकेमिया एंड थैलेसमिशिया। तो आंसर इसमें डायबिटीज मार्क कर लीजिए क्योंकि जो एनीमिया ल्यूकेमिया और थैलेसमिया है ये हमारे ब्लड रिलेटेड डिजीजेस हैं। किससे रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस कह सकते हो आप। लेकिन जो डायबिटीज है, डायबिटीज किसकी वजह से है, डायबिटीज तो इंसुलिन की वजह से होती है यानी कि एक हार्मोन की वजह से होती है, बट दीज डिजीजेस ड्यू टू ब्लड। नेक्स्ट वन 32 ड्राइंग सॉल्टिंग सोकिंग विद शुगर एंड कुकिंग। तो कुकिंग मार्क कर लीजिए, ड्राइंग सॉल्टिंग एंड सोकिंग विद शुगर दे आर द प्रिजर्वेशन मेथड। ये जितने भी मेथड थे ड्राइंग सॉल्टिंग कुकिंग विद शुगर ये प्रिजर्वेशन मेथड थे कि आप किसी फूड को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो, बट कुकिंग इज नॉट द प्रिजर्वेशन मेथड, कुकिंग इज कुकिंग। नेक्स्ट वन 33 डीडीटी मेलाथोनियन क्लोरोपाइरोसिस और ह्यूमस। यहाँ पे ऑर्गन मार्क करिए ह्यूमस, ये एक नेचुरल वो है कंपोस्ट, नेचुरल कंपोस्ट है या नेचुरल फर्टिलाइजर भी कह सकते हो, नेचुरल फर्टिलाइजर या फिर कंपोस्ट भी कह सकते हो। लेकिन यही हम लोग डीडीटी मेलाथियन और क्लोरोफाइरी पाइरीफॉस की बात करें, दे आर केमिकली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट वन 34 ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ब्लू रिवॉल्यूशन था, व्हाइट रिवॉल्यूशन था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्लांट के लिए था, ब्लू रिवॉल्यूशन एक्वेटिक चीजों के लिए था, व्हाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे दूध के लिए था यानी कि ये हमारी नेचुरल चीजों के लिए था, राइट। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, इंडस्ट्रीज के लिए आया था, और इंडस्ट्री हमारी कोई नेचुरल नहीं है, इंडस्ट्री हमारी कोई नेचुरल है ही नहीं बल्कि उसमें तो बिल्कुल मैनमेड चीजें बनाई जाती हैं। तो दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट वन 35 सोडियम एल्यूमिनियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम सोडियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम दे आर रिक्वायर्ड इन सॉइल एज अ फर्टिलाइजर और एज अ न्यूट्रिशन। सोडियम फॉस्फोरस और पोटेशियम को हम लोग एज अ न्यूट्रिशन नीड होती है सॉइल के लिए, बट एल्यूमिनियम डजंट, एल्यूमिनियम की कोई नीड नहीं है हमारे सॉइल में। नेक्स्ट वन 36 चीज कर्ड आइसक्रीम और बटर मिल्क। इसमें जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का आइसक्रीम, क्योंकि चीज कर्ड और बटर मिल्क आप लोगों के मिल्क प्रोडक्ट है। चीज कर्ड एंड बटर मिल्क आर द मिल्क प्रोडक्ट बट आइसक्रीम इज नॉट द मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन 37 टेरिस विटाटा राइस इंडियन मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सो द राइट आंसर इज राइस, इंडियन मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड टेरिस विटाटा दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इंडियन मस्टर्ड से, सनफ्लावर से, टेरिस विटाटा से हमें मिलता है ऑयल, क्या मिलता है हम लोगों को, ऑयल मिलता है, बट राइस से नहीं है, राइस एक अलग चीज हो जाती है। 38 है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सोशल सिक्योरिटी काउंसलिंग एंड टॉयलेट। तो काउंसलिंग पे जाइए क्योंकि ये सारी फैसिलिटी है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, सिक्योरिटी की फैसिलिटी, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, दे आर फैसिलिटीज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक, बट काउंसलिंग, काउंसलिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ फैसिलिटी फॉर पब्लिक, राइट। नेक्स्ट वन 39 एंड द लास्ट वन टोबैको लाफ्टर क्लॉक एल्कोहल कंजप्शन ड्रग्स। तो राइट आंसर यहाँ पर मार्क करिए लाफ्टर क्लब, राइट आंसर आप यहाँ क्या मार्क करोगे, लाफ्टर क्लब करोगे, क्योंकि टोबैको अल्कोहल कंजप्शन या फिर ड्रग्स इन सब की हम लोग बात करें दे आर, ये क्या है, ये हमारे बिल्कुल किसी को भी मतलब एक तरीके से उनकी गलत हैबिट है, ये क्या है, ये रॉन्ग हैबिट है,
बल्कि ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। यहीं पर हम लाफ्टर क्लब की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पर ऑड वन क्या हो जाएगा, लाफ्टर क्लब यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? एक सेकेंड, आप लोगों को किस किस क्वेश्चन में डाउट है पहले तो मैं अभी यही देख लेती हूँ, आप लोगों को किस किस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन नहीं समझा, थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, पोजीशन ऑफ आईज वाला। बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर ना तीनों ऑप्शन में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करी गई है, लेकिन आपके पोजीशन ऑफ आईज में आईज की पोजीशन की बात करी गई है, ना कि उसके स्ट्रक्चर की। तो वो तो बिल्कुल ही एकदम ऑड वन आउट हो गया। नहीं बेटा, ये कौन है, ये गेमिंग इज आवर पैशन, आइसक्रीम में भी तो मिल्क होता है। किसने कह दिया आइसक्रीम में मिल्क होता है? भाई कौन है ये आइसक्रीम में मिल्क होता है? आइसक्रीम ना पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड होती है, ध्यान रखना। आइसक्रीम इज बेस्ड ऑन फुल ऑन केमिकल, नॉट इन उसमें। एक सेकेंड, या क्या नाम है इसका, रुगोस गेमिंग, मैं आपको देख रही हूँ ना, एक चीज मुझे चेक तो कर लेने दो, कंटिन्यूस बिल्कुल करते जा रहे हो। बेटा किसने कह दिया आइसक्रीम मिल्क से होता है? पहली बात तो यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर था ना आइसक्रीम, पहली बात तो ये समझ लो, पता है किस बेसिस पर ये अलग किया गया है, चीज कर्ड और बटर मिल्क को बनाने के लिए ना फर्मेंटेशन यूज होती है। पहली चीज मैं बता दूं कि इसमें जो ऑड वन आउट किया गया है किस रीजन के थ्रू किया गया है, तो ये समझ लो, आइस यहाँ पे जो चीज कर्ड और बटर मिल्क है इनको बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है ना वो फर्मेंटेशन होती है। आइसक्रीम को बनाने के लिए फर्मेंटेशन नहीं होती बेटा, कूलिंग होती है, कूलिंग से भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग। तो इसका जो मेन रीजन है ना कि आइसक्रीम को मैंने ऑड वन आउट किया, मैंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बेसिस पर किया है। चीज कर्ड बटर मिल्क बनाओगे तो फर्मेंटेशन से बनेगी, आइसक्रीम बनाओगे तो फ्रीजिंग होती है। अब समझ में आया मैम, आइसक्रीम में दूध होता है। काउंसलिंग, बेटा काउंसलिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई किसी चीज तरीके से परेशान है तो उसको एक सजेशन और एडवाइस देना, वो किसी की सिक्योरिटी में नहीं आता। 39, 39 में क्या है, 39 में क्या दिक्कत थी बेटा, टोबैको एल्कोहल कंजप्शन और ड्रग, दे आर बिलोंग्स टू स्ट्रेस, यानी कि ये हमें स्ट्रेस देते हैं, लेकिन जो लाफ्टर क्लब है वो हमें स्ट्रेस नहीं देता, इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। बेटा चेक कर रही हूँ, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन देख लिया है, आप लोग मुझे, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा वो हो, 21 वाले क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट हो रहा है, राइट, सभी लोगों को हो रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लूँ इसको। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप लोगों को यही बताना है मुझे। ठीक है बेटा, देख लिया मैंने, यहाँ पर आप 21 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ओके, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, स्पाइडर है, ओके, करेक्ट कर लीजिए, ओके बेटा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया, हो सकता है मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं जल्दी जल्दी कराती चली गई। ठीक है, राइट आंसर यहाँ स्पाइडर मार्क कर लीजिए, ठीक है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, स्पाइडर मार्क कर लीजिए, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं है, अब सारी चीज क्लियर है, ठीक है। 21 का स्पाइडर मार्क कर लीजिए, आई हैव मिस्टेकन, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने जल्दी जल्दी करा दिया, आई हैव नॉट सीन द करेक्ट रीजन, आई हैव जस्ट मार्क द आंसर, सो सॉरी फॉर दैट, द करेक्ट आंसर इज स्पाइडर, गॉट इट। चलिए और कौन से क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप लोगों को, 33 में, बेटा डीडीटी इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, डीडीटी इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, मेलाथोनियन इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, क्लोरोफायरोफिस इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, बट ह्यूमस,
ह्यूमस यानी कि एक नमी, जो हम लोग की नमी वाली मिट्टी होती है, दैट नॉट द केमिकल फर्टिलाइजर. सो ह्यूमस इज द ऑड वन आउट. और बताइए बेटा, मैंने आरिफ बेटा 33 का मैंने मतलब बता दिया. डीडीटी एंड मेलाथोनियन क्लोरोफायरोसिस, दे आर ऑल केमिकल फर्टिलाइजर. आई एम रिपीटिंग अगेन, दे आर ऑल केमिकल फर्टिलाइजर, बट द ह्यूमस इज नमी. नमी तो जानते हो ना, जिस सॉइल में थोड़ा सा गीला बन होता है, दिस इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर. सो ह्यूमस इज द ऑड वन आउट. गॉट इट? 13 का बताओ, 13 क्वेश्चन का. अच्छा, सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल एंड कोल. बेटा इसमें पेट्रोल अलग था, क्योंकि सिलिकॉन, यूरेनियम एंड कोल आर द नेचुरली नेचुरल प्रोड्यूसिंग जो आप लोगों के मटेरियल है. बट पेट्रोल आप लोगों का नेचुरल नहीं होता, बल्कि पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम से. सो पेट्रोल इज नॉट द नेचुरल प्रोडक्ट, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम. सो द राइट आंसर इज पेट्रोल. ओके, 29 में भी डाउट है. 29 में क्या डाउट है? फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, पिंक वॉल वॉर्म है, एंड यहाँ पर आप लोगों का एक सेकेंड, 29 का बेटा मैंने फ्रॉग बताया ना, फ्रॉग, क्योंकि जो अर्थवॉर्म, पिंक वॉर्म और इंसेक्टिवोरस वर्ड्स हैं, ये आप लोगों के अलग हो जाएंगे और फ्रॉग अलग हो जाएगा. फ्रॉग आपका एम्फीबियन से बिलोंग करता है, लेकिन वॉर्म, पिंक वॉल वॉर्म, राइट, ये आप लोगों के अलग से फाइलम से बिलोंग करते हैं. फ्रॉग आप लोगों का अलग फाइलम से बिलोंग करता है, इसलिए फाइलम के बेसिस पर किया गया है ये. तो फ्रॉग आप लोगों का फाइलम के बेसिस पर अलग किया गया है. 31 भी बता दिए बेटा, डायबिटीज होगा, अनीमिया, ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन डायबिटीज आपका इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑड वन आउट है. 30 भी बता दिए बेटा, 30 तो मैंने कितनी बार बता दिया. डीडीटी, मेलाथोनियन क्लोरोफायसिस, ये केमिकल बेस्ड है, यूरिया नेचुरल होता है. यूरिया नहीं, वॉशरूम नहीं जाते, वॉशरूम जाते हैं ना, क्या है? यूरिया है, नेचुरल प्रोडक्शन है. डीडीटी, मेलाथोनियन क्लोरोफायसिस, ये आप लोगों के केमिकल प्रोडक्शन है. बेटा 30 मैंने बता दिया, कौन है ये? देशमुख साहब, देशमुख जी भाई, 30 मैंने कितनी बार बताया बेटा. डीडीटी, मेलाथोनियन क्लोरोफायरीफॉस, ये आप लोगों के केमिकली प्रोड्यूस्ड है, सिंथेटिक है, लेकिन यूरिया नेचुरल है. वॉशरूम जाते हैं, यूरिया ही तो निकलता है, तो यूरिया क्या है यहाँ पे? नेचुरल है. एंड डीडीटी, मेलाथोनियन एंड क्लोरोफायरीफॉस आर द केमिकल बेस्ड. सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो इसमें एल्यूमिनियम ऑड वन है. 35 में एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम अलग है, क्योंकि सोडियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये आप लोगों के कहीं ना कहीं सॉइल न्यूट्रिशन में काउंट होते हैं. अरे भाई, यहाँ पर गेमिंग, क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है जिससे है गेमिंग वाला, पहले तो अपना नाम रख लो. यहाँ पर आप बोल रहे हो दैट स्पाइडर डजंट हैव अ विंग्स. बेटा यहाँ पर विंग्स के बेसिस पर या विदाउट विंग्स के बेसिस पर हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर स्पाइडर वाले में. बेटा यहाँ फाइलम के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. हम लोग यहाँ फाइलम के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम इसके बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि उसके पंख है या नहीं है, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते हैं. अब तुम पंखों के बेसिस पर डिफरेंशिएट करोगे, अरे इसके पंख नहीं है इसको अलग कर दो. फाइलम के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है, कितनी बार बताएं भाई. बाकी का और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बाकी के देखो आप लोग पढ़ रहे हो, एक चीज और बता देती हूँ आप लोग, पता है डाउट क्यों आ रहा है? एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली में डाउट आ क्यों रहा है. आप लोगों को डाउट आ रहा है क्योंकि आप अलग अलग जो भी आप लोगों के कोच, मतलब जो आप लोगों की गाइड है, आप लोग वो पढ़ रहे हो. पहली चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हो? आप लोग ना अलग अलग गाइड पढ़ रहे हो.
अगर अर्जुन आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गो अहेड, अर्जुन अगर आपको ऐसा लग रहा है देन गो अहेड, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ बेटा, गो अहेड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आप लोग यहाँ पर सब लोग अपने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो अपने अलग अलग गाइड, और ध्यान रखना गाइड ना कोई आपकी परफेक्ट नहीं होती है, हर किसी में अपना कुछ ना कुछ आंसर की मिस्टेक हो जाती है। कोई कह रहा है कि मैम 13 का ये है, कोई कह रहा है मैम 13 का ये है, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो अपने अलग अलग गाइड, और अलग अलग गाइड में ना अलग अलग रीजन के बेसिस पर आप लोगों के आंसर दिए होते हैं, ऑड वन आउट किया होता है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑड वन आउट करना है तो अपनी बुक्स के बेसिस पर करो कि बुक्स में इस रीजन के बेसिस पर आप लोगों का ऑड वन आउट किया गया है। अगर गाइड पढ़ के करोगे ना तो हर गाइड में अलग अलग आप लोगों की रीजन के बेसिस पर यहाँ पर ऑड वन आउट किया हुआ है। यहाँ से मुझसे कह लीजिए, मैं खुद कह रही हूँ, हर किसी का अपना आंसर है कि मैम ये आप लोग ये आपने बताया हमने ये पढ़ा है, ये वो दूसरा बच्चा वही चीज बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप गाइड पढ़े हो अलग तरीके की, और गाइड में हर किसी का अपना अलग रीजन होता है। जहां अलग अलग रीजन पढ़ोगे वहां आप लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नथिंग एल्स। बेटर है बुक के रीजन से अपने ऑड वन आउट करेंगे, और मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को ऑड वन आउट कराया है बुक के बेसिस पर कराया है कि बुक में ये रीजन होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करिए। गाइड के बेसिस पर करोगे तो 10 10 10 गाइड पढ़ लेना, 10 रीजन के बेसिस पर ऑड वन आउट होगा, कहीं से नहीं सही हो पाएगा। बुक के बेसिस पर करो। 37 का राइस है, किसने पूछा मुझसे, हाँ बेटा 37 का राइस है। 37 का बताया तो बेटा 36 का आइसक्रीम है। देखो जब मैं आप लोगों को मार्क कराती हूँ तब साथ के साथ ना आप लोगों के पास गाइड अवेलेबल है, पीडीएफ की फॉर्म में हो चाहे कैसी भी हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो कैसे भी हो, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो साइट पे जाके पीडीएफ की फॉर्म में। वहां आप लोग मैं जैसे जैसे मार्क कराती हूँ आप उसको वहां सेम 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 करके मार्क कर लिया करिए, ठीक है। ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैम इसका क्या था मैम इसका क्या था, या फिर साथ के साथ लिखते चला करो कि हाँ ये आंसर बताया था ये आंसर बताया था। ओके, मैंने सारे मार्क करवाए थे, बाकी आप देख सकते हैं। आज तक मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवा दिया, अब नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का वन वर्ड आंसर वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वो शुरू होंगे जो हमने नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो आप लोगों के वन वर्ड वाले हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी का ये है कि आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया, 10 तरीके की बुक पढ़ोगे, 10 तरीके की गाइड पढ़ोगे, हर एक का रीजन के अकॉर्डिंग आंसर अलग होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बुक के रीजन के करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। गॉट इट? हो सकता है मेरे यहाँ पर एक दो उसमें बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी मैंने कराए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो बाय मिस्टेक मेरा इसकी जगह इस पे मार्क हो गया। मैं खुद कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि थी कि मैंने जल्दी जल्दी मार्क किया तो मेरे सारे करेक्ट मार्क कर दिए। हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी मार्क कर रही हूँ तो भाई मेरे को लगाना ये लग गया, ये हो सकता है ना, दैट्स पॉसिबल, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ओके गॉट इट? तो इस चीज को बढ़ा इतना वो मत दो, ये चीज हो सकती है, तो बाकी आप उसको पूरा चेक करते हुए चलिए। बाकी अगर डाउट है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, गाइड के बेसिस पर मत चलिएगा, इतना मैं जरूर एडवाइस करूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट वन वर्ड वाले हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास अवेलेबल है, रिवाइज करिए अपने खुद के बुक के साथ साथ के साथ आप लोग अपना चेक भी करते जाइए। चलिए बाद में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।